बच्चों, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इसीलिए इस दिन देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजादी मनाता है। अरे रे रे, कुछ नहीं आता तुझे? बोझ है तू इस घर पर और हम सब पर। पता नहीं मैं और मेरा बेटा कहाँ फंस गए, पर घर में मनुष्य कदर रखे तुझे। पर क्या आपको पता है, आजादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों ने खूब अत्याचार किए थे। अच्छा, तो तुम सिखाओगी मुझे? अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे क्या करना और क्या नहीं। मैं तो बस की बच्ची। पर अंत में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हमारे देश को आजाद करा लिया गया। हाँ आरव, बोलो क्या कहना चाहते हो? टीचर, आपने तो कहा था कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, पर मेरी माँ आज भी अत्याचार सह रही है और मेरे पापा आज भी उन्हें मारते हैं, तो क्या वो आजाद नहीं हुई थी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2006 के आंकड़ों के मुताबिक 70% भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, जिसमें हर 3 मिनट में कोई ना कोई भारतीय महिला के साथ अपराध होता है। हर 9वें मिनट में किसी न किसी भारतीय महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा ज्यादती की जाती है। हर 29वें मिनट में किसी न किसी भारतीय महिला के साथ बलात्कार होता है और हर 77वें मिनट में कोई ना कोई भारतीय महिला दहेज के कारण अपनी जान गंवा देती है। बीबीसी रिपोर्ट 2013 के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ 3,09,546 अपराध हुए, जिसमें से 1,18,866 मामले घरेलू हिंसा के थे। दोस्तों, कोई भी देश तब तक स्वतंत्र नहीं होता जब तक उसकी महिलाएं स्वतंत्र नहीं होती। आइए इस 15 अगस्त आजादी के मायने बदलें और इस आजादी को एक नई परिभाषा दें, क्योंकि देश की आधी आबादी की सुरक्षा हमारे हाथ है। जय हिंद।